हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर में होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज के हॉल के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज के हॉल में आपको अंडर 650 आउटफिट मिलने वाला है। मतलब जो सबसे प्राइसी आउटफिट है वो 650 होगा, बाकी सब इससे कम प्राइस में आपको मिलने वाले हैं और सारे ही बेस्ट है। मतलब अच्छी क्वालिटी के आपको मिलने वाले हैं और लुक भी बहुत अच्छी आने वाली है। ब्यूटीफुल से प्रिटी से सेट है, कुछ कुर्ता सेट है, कुछ कॉट सेट है, मतलब मिक्स कलेक्शन होने वाला है और सारा ही कलेक्शन है मीशो से। मीशो के हॉल आप लोगों को काफी पसंद आते हैं और एक्साइटमेंट रहती है कि मीशो से क्या रिसीव हुआ। तो आज का हॉल कम्प्लीटली आप देखना, सारे आउटफिट अपने आप में अच्छे हैं, अच्छी लुक क्रिएट करने वाले हैं। बस करना है कि अगर आपको मेरे हॉल वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो डोंट वेस्ट अ टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट आउटफिट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत ही प्रिटी सा थ्री पीस सेट आपको मिलने वाला है। आलिया कट स्टाइल में आपको मिलेगा, बेस्ट है। आपको नवरात्रे के लिए चाहिए, दुर्गा पूजा के लिए चाहिए, इस तरह का कलर शेड है, मतलब हमेशा अच्छा लगने वाला है। तो फर्स्ट कुर्ती से स्टार्ट करते हैं और ये भी सुपर अफोर्डेबल है, प्राइस आपको स्क्रीन में शो हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एल साइज को पिक किया। फर्स्ट आप कुर्ती देख लीजिए, इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली है। रेयॉन का फैब्रिक आपको मिलेगा, यहाँ पे वी नेक आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और नेक के पास पूरी जरी वर्क की और पूरी इस तरह लेस वर्क की डिटेलिंग आपको मिलेगी। इस तरह का डिजाइन वर्क मिलेगा, फॉइल प्रिंट हो रखे हैं। ब्लैक में ये जो कलर शेड था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह का कलर शेड है जो कि वाइब्रेंट लुक इसको प्रोवाइड कर रहा था, मतलब अच्छी लग रही थी कुर्ती वेयर करने पे भी और कंफर्टेबली आप होल डे इसके साथ रह सकते हो। मटेरियल भी काफी अच्छा है, रेयॉन का आपको मिलने वाला है। आपको साइज मिलने वाले हैं मीडियम से लेकर 3XL तक, मैंने यहाँ पे एल साइज पिक किया। फ्रंट की लुक देख लीजिए, इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली है। यहाँ से पूरा आलिया कट स्टाइल आपको मिलेगा और यहाँ से प्लीट्स मतलब आपके गैदर्स आ रहे हैं पूरे। तो इस तरह का यहाँ पे आपको वाइब्रेंट सा शेड मिलेगा। साइड स्लिट पे भी आपको लेस की डिटेलिंग मिली है जो कि नेक एरिया के पास मिली है। लेंथ की बात की जाए 46 आपको लेंथ मिलेगी। वी नेक से कुर्ती बहुत प्रिटी लग रही थी। स्लीव्स की बात की जाए 3-4 स्लीव्स मिलेंगे। स्लीव्स में अगेन एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको मिलेगा, जरी वर्क मिलेगा और इसमें पूरा ना जैसे डार्क शेड हो रखा है उनके साथ आउटलाइन हो रखी है फॉइल प्रिंट की, जिससे कि काफी ये जो कलर शेड था उभर के आ रहा था ब्लैक में। इस तरह के जो डिजाइन वर्क है तो काफी इसको वाइब्रेंट लुक प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली। आलिया कट तो आपको यहाँ पे साइड स्लिट ओपन मिलेगी, तो यहाँ पे कट आपको ओपन मिलने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉफ्ट वाला रेयॉन मिल रहा है। तो ये तो हो गई कुर्ती की फ्रंट लुक। बैक से बात की जाए, पूरी इस तरह की प्रिंटेड कुर्ती आपको मिलने वाली है। कलर शेड बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से और आपको ना यहाँ पे फ्रंट वाले पैनल में ये लेस की डिटेलिंग मिलेगी। बैक वाला आपको बस ये प्रिंटेड वाला पूरा फ्लोरल पैटर्न में मिलने वाला है प्रिंटेड कुर्ती। तो इस तरीके की आपको ये कुर्ती मिलने वाली है। ओवरऑल लुक काफी अच्छी आ रही थी और सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो अपना एग्जैक्ट साइज जो भी आपका करिए। और मैं इसके साथ आपको बॉटम एंड दुपट्टा शो करती हूँ। कलर शेड बहुत अच्छा है, वाइब्रेंट सी लुक आ रही थी, बेस्ट है। आपको नवरात्रि के लिए ये पिक कर सकते हो। अब मैं बॉटम आपको मिलने वाला सॉलिड ब्लैक शेड में, इस तरह का रेयॉन का बॉटम आपको मिलेगा। बोथ साइड इलास्टिकेटेड मिलेगा, इस तरह आपको पैंट मिलने वाली है। अनदर किसी और कुर्ती में भी आप इसको यूज कर सकते हो। फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी है, कोई इसमें आपको पॉकेट रिसीव नहीं हो रहा है। इतनी आपको लेंथ मिली है, 38 आपको इसकी लेंथ मिली है, तो अच्छा फैब्रिक आपको मिल रहा है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका बॉटम। अब मैं दुपट्टा शो करती हूँ। दुपट्टे की बात की जाए तो आपको शिफॉन का दुपट्टा मिलेगा, इस तरीके से ब्लैक शेड में ग्रीन शेड का ओमरे पैटर्न आपको मिलेगा। ट्रायंगल लेस लगी हुई है चारों तरफ से और आपको 2.25 मीटर का दुपट्टा मिला। इस तरीके से साइड मतलब परफेक्ट है, ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है, ओके ओके दुपट्टा आपको मिला। प्राइस भी इसके काफी अच्छे, आई थिंक 662 में आपको मिलने वाला है। तो अच्छे प्राइस में, अच्छे नोट में आपको आउटफिट मिल रहा है। लुक काफी अच्छी आती, ट्राई ऑन में शो जाएगा। इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब फैब्रिक अच्छा है, आप नो डाउट बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आउटफिट में आपको दिखाने वाली है कॉट सेट। इस तरीके से आपको मिलेगा, प्योर कॉटन का मिलने वाला है, सुपर कंफर्टेबल है। आपको फेस्टिवल में डे में पहनने के लिए चीज को पिक कर सकते हो, इवन आप इसे ऑफिस वेयर करके भी जा सकते हो। इस तरह का आपको टू पीस सेट मिलने वाला है। फर्स्ट लुक देख लीजिए, इस तरीके से आपको मिलेगा। कॉलर वाला नेक आपको मिलेगा, एल साइज मैंने पिक किया। फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी है, इस तरह का प्रिंट वर्क आपको मिलने वाला है और जो यहाँ पे आपको बटन मिले हैं, मतलब शो के लिए बटन मिले हुए, इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ से स्टिचिंग ना क्लोज कर रखी है, तो बस आपको जस्ट सीधा वियर करना है। तो इस तरह का ऐसे लग रहा था, शर्ट वाली लुक आ रही थी इसमें। कॉट सेट काफी अच्छा, फ्रंट का जो है वो बैक वाले से थोड़ा शॉर्ट आपको मिलेगा, तो अच्छी खासी लेंथ के साथ आपको मिल रहा था। ज्यादा शॉर्ट लेंथ वाला मैंने पिक नहीं किया है। इस तरीके से बाकी आपको ट्रायल में शो हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपको 45 इसकी लेंथ मिलने वाली है। इस तरीके से कॉट सेट रिसीव होगा और यहाँ पे कलर शेड आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था। ऑफ व्हाइट में ये ब्राउन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट प्योर कॉटन में आपको मिलने वाला है। मीडियम से 3XL तक साइज आपको मिल जाएंगे। रेटिंग यहाँ पे आपको 4.4 मिली है। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो और अच्छा लग रहा था पहनने के बाद।
स्लीव्स की बाकी जो 3/4 स्लीव मिलेगा, प्रिंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, कलर शेड वाइब्रेंट सा है, डेफिनेटली पिक कर सकते हो। और ना बाकी जो इसमें ना इस तरह के हल्का हल्का प्रिंट वर्क फैब्रिक में हो भी रखा है, मतलब दो शेड तो है ही और ये लाइट शेड में भी आपको मिलेगा। इस सिमरेला कट स्टाइल में आपको मिलने वाला है, इतना आपको यहाँ पे फ्लेयर मिला है। बैक से बात की जाए तो पूरी प्रिंटेड आपको ये कुर्ती मिलने वाली है, और बैक का जो पैनल है वो फ्रंट वाले से थोड़ा आपको लॉन्ग वाला मिलेगा, तो इस तरह का कट स्टाइल आपको यहाँ पे मिला है। लेकिन कलर शेड बहुत अच्छा लग रहा था, हर स्किन टोन में जाने वाला है, फेस्टिवल में इजीली आप वेयर कर सकते हो, ऑक्सीडाइज यूब्रिक तक अच्छी लुक आने वाली है। तो ये तो रहा इसका टॉप, अब मैं इसके आपको बॉटम शो करती हूँ। बॉटम की बात की जाए तो कॉर्ड सेट है, तो सिमिलर ही आपको मिला है, वही कलर शेड आपको मिलेगा, बोथ साइड इलास्टिकेटेड मिला है, हिप एरिया में मार्जिन अच्छा सा मिला है, प्योर कॉटन का आपको यहाँ पे पैंट रिसीव होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, अच्छे खासे विड्थ और लेंथ के साथ आपको मिल रहा है, तो हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर पसंद आ रहा है पिक कर सकते हो। प्राइस आई थिंक 450 में आपको मिलने वाला है, तो डेफिनेटली इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने एक प्रीटी सा सेट है, 3-पीस सेट आपको मिलेगा नायरा कट स्टाइल में, काफी मतलब ट्रेंडी आउटफिट है, और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इतने कम प्राइस में मिला है, सच में बहुत ही अच्छा है। इसमें 2 शेड अवेलेबल है, ऑरेंज और येलो, मैंने ऑरेंज को पिक किया, आप येलो भी पिक कर सकते हो। तो फर्स्ट देख लेते हैं, येलो ऑलरेडी मैं शो कर चुकी थी, ऑरेंज मैंने शो नहीं किया था, तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली है नायरा कट स्टाइल में, रेयन का फैब्रिक मिलेगा, एल साइज मैंने पिक किया, साइजेस आपको मीडियम से 3XL तक मिल जाएंगे। फ्रंट पे आपको ये पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा, सीक्वेंस के पूरा यहाँ पे फॉल्स मिरर की डिटेलिंग, योग पार्ट हैवी डेकोरेटेड आपको यहाँ पे मिल रहा है, पूरी प्रिंटेड कुर्ती आपको मिली है, रेयन का सुपर सॉफ्ट वाला फैब्रिक आपको मिल रहा है इस तरीके से, और यहाँ योग पार्ट के नीचे से पूरे आपके गैदर्स इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे इस तरह का फ्लेयर आपको मिल रहा है। और नायरा कट है तो यहाँ पे साइड स्लिट आपको ओपन मिली है इस तरीके से, और यहाँ पे टैसल भी मिल रहा है साइड में, आप इसको टाई अप कर सकते हो या जस्ट ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये तो हो गई कुर्ती की फ्रंट लुक, पूरा फ्लोरल पैटर्न में आपको मिलेगा, वाइब्रेंट से शेड आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल ऑरेंज वाले शेड में ना आपको ये पिंक और बेज कलर के ये फ्लोरल पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो काफी अच्छी लग रही थी फ्लोरल कुर्ती। राउंड नेक में आपको कुर्ती रिसीव होने वाली है। स्लीव्स की बात की जाए 3/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी गोटा पट्टी की डिटेलिंग और ये क्रोशिया की लेस लगी हुई है, और यही सेम लेस ना आपको इसके हेम पे भी मिली है, इस तरीके से आप देख सकते हो। नीचे ये पूरी आपको लेस की डिटेलिंग मिलेगी, 46 लेंथ के साथ आ रही है, फैब्रिक काफी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। बैक से पूरा फ्लोरल पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके से ओवरऑल इसकी लुक आ रही थी, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा इतने प्राइस में ये सेट मिला है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी और लुक बहुत अच्छी आती है। अच्छा सा आप रेडी हो जाइए, अच्छा सा मेकअप कर लीजिए, गुड टू गो वाली कुर्ती है, ऑलमोस्ट मतलब जितने आउटफिट होते हैं अगर आप उनके साथ और एडिशनल चीजें ऐड कर लीजिए तो अपने आप अच्छा लगने लग जाता है आउटफिट, तो इसको भी पिक कर सकते हो, फेस्टिवल के लिए बेस्ट है, डे में पूजा के लिए चाहिए पिक कर सकते हो। अब मैं इसका बॉटम शो करती हूँ। बॉटम की बात की जाए तो इस तरीके से ऑरेंज शेड में आपको बॉटम मिलेगा, बोथ साइड इलास्टिकेटेड मिल रहा है, इतना आपको नैरो काइन पैंट मिलेगा, नीचे की तरफ आपको अगेन क्रोशिया की लेस और गोटा पट्टी का वर्क मिला, तो अच्छा हिप एरिया में मार्जिन भी मिला, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा पकड़ा दिया, अच्छा आपको बॉटम मिल रहा है, रेयन का फैब्रिक आपको मिल रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हो फैब्रिक की क्वालिटी, मतलब टच करके पता लग रही थी, तो पिक कर सकते हो, अच्छा बॉटम है। अब मैं इसका दुपट्टा शो करती हूँ। दुपट्टे की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 2.25 मीटर का दुपट्टा मिलेगा, ओमरे पैटर्न में अगेन आपको मिलने वाला है, इतनी आपको यहाँ पे विड्थ मिली है, और इसके ना जो विड्थ है ना वहां पे आपको इस तरह की क्रोशिया की लेस लगी हुई मिली है दोनों साइड पे, इस तरीके से इस तरफ नहीं मिली है लेंथ की तरफ, विड्थ की तरफ आपको लेस मिली है, तो 2.25 मीटर का दुपट्टा मिला है, सुपर सॉफ्ट वाला रेयन है, तो इसको भी डेफिनेटली पिक कर सकते हो। आई थिंक इसके प्राइस भी काफी कम है, 4.3 इसकी रेटिंग है, इसे भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। येलो शेड है और ऑरेंज शेड है, मैंने ऑरेंज आपको दिखाया। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट मैं आपको ना इस हॉल की सबसे सुपर अफोर्डेबल कुर्ती शो करने वाली हूँ, 278 में मिलने वाली है, रेयन की कुर्ती है, अच्छी लग रही थी, 3 शेड है, मैंने मेहरून शेड को पिक किया, इस तरह से रेयन की कुर्ती आपको मिली, नॉर्मल ऑफिस वेयर के लिए चाहिए, पूजा फंक्शन के लिए चाहिए पिक कर सकते हो, व्हाइट बॉटम के साथ अच्छी लुक आने वाली है ऑफिस वेयर के लिए या कॉलेज गोइंग हो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। की होल वाला नेक आपको मिलेगा, एल साइज मैंने पिक किया, साइजेस आपको मिलने वाले मीडियम से लेके डबल एक्सएल तक, इस तरह के स्लीव्स मिलेंगे, 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पे भी ट्रायंगल लेस मिली और डिफरेंट सा फैब्रिक जिगजैग वाला आपको मिलेगा जो कि योग पार्ट में जाता, और इस तरह की फ्लोरल पैटर्न की कुर्ती मिली थी, मेहरून कलर काफी अच्छा लग रहा था, इस तरह का ओवरऑल लुक है। लेंथ की बात की जाए 45 आपको लेंथ मिलेगी, अच्छी लग रही थी पहनने के बाद, व्हाइट बॉटम के साथ, बैक से आपको पूरे ये प्रिंटेड कुर्ती मिलने वाले, इस तरह का फ्लोरल पैटर्न आपको इजिली नॉर्मल वॉश कर सकते हो आप इसे, और रेयन के फैब्रिक में आपको मिली है तो उसे भी पिक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे जो इसके है ना गोटा पट्टी के साथ आपको एक छोटी सी बेल भी लगी हुई मिली है, इस तरह की डिटेलिंग के साथ आपको 278 के हिसाब से काफी अच्छी है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाकी आपको ट्रायल में शो हो जाएगा, तो हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर पसंद आ रही है जो भी कलर आपको पसंद है, 3 शेड अवेलेबल है, पिक कर सकते हो, मैंने मैरून शेड को पिक किया। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट।
नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक आलिया कट कुर्ती, इस तरीके से आपको मिलने वाली है, ऑरेंज शेड में आपको मिलेगी इस तरीके से। ये भी काफी अच्छी कुर्ती है, फेस्टिवल के लिए बेस्ट है, कॉटन ब्लेंड मटेरियल में आपको मिलेगा, एल साइज मैंने पिक किया। योग पार्ट में आप देख सकते हो जो वी नेक क्रिएट किया ना, वहां पे आपको इस तरह की पूरा जरी वर्क और सीक्वेंस की टेलिंग मिलेगी, इस तरह से आपको लीफ वाले पैटर्न मिलेंगे इस तरीके से। 46 आपको लेंथ मिलने वाली, पूरा फ्लेयर कुर्ती आपको मिलने वाली है, और यहाँ पे ना पूरी आप बोल सकते हो आलिया कट प्लस अनारकली आपको मिली है, पूरी स्टिच मिल रही है, यहाँ पे कोई कट प्रोवाइडेड नहीं है, इस तरह का आपको यहाँ पे पैटर्न मिलेगा। कलर शेड बहुत अच्छा लगता है, डे में पहनने के लिए चाहिए, पूजा के लिए आपको चाहिए, नवरात्रों के लिए चाहिए, तो नाइट में भी अच्छी लुक क्रिएट करेगा क्योंकि इसमें पूरा गोल्डन वर्क आपको मिला है, इस तरीके से आपको यहाँ मिलने वाली है। और साइजेस अवेलेबल है मीडियम से लेकर डबल एक्सल तक, एल साइज मैंने पिक किया। स्लीव्स की बात की जाए 3-4 स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव्स पे भी अगेन इस तरह का जरी वर्क की डिटेलिंग मिलेगी, अच्छी कुर्ती है, इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आई थिंक आपको 350 के अप्रॉक्स मिल जाएगी। बैक से बात की जाए तो पूरा इस तरह का प्रिंट वर्क मिलेगा, ऑरेंज येलो इस तरह का आपको कलर शेड मिलने वाला है, तो इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कॉटन ब्लेंड मटेरियल है लेकिन सॉफ्ट वाला, ऐसे नहीं कि मतलब कॉटन ब्लेंड है, थोड़ा थिक हो, अच्छा वाला मटेरियल आपको मिला है, तो इस प्रिटी सी भी कुर्ती को भी आप पिक कर सकते हो, इस तरह का ओवरऑल इसका लुक आ रहा था, बाकी आपको ट्राई ऑन मैच हो जाएगा, तो इसको भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑलमोस्ट अच्छा फैब्रिक है। वन टू नेक्स्ट आउटफिट, नेक्स्ट आउटफिट ब्लैक शेड में है और ये भी सुपर अफोर्डेबल है, आई थिंक आपको 571 में मिलने वाला है, कमाल का, मतलब 571 में 3-पीस सेट आपको मिल रहा है, स्टिच वाला मिल रहा है, अनारकली मिल रही है। जल्दी से देख लेते हैं, जितने भी आउटफिट मैंने दिखाया ना, जैसे पिक में दिखाए गए वैसे ही, और इसके भी सेम जैसे आपको मॉडल की पिक दिख रही है उसी के तरह ये पूरा लग रहा था, तो जल्दी से देख लेते हैं। ब्लैक शेड है लेकिन अच्छा लग रहा था, ऑफिस वेयर के लिए चाहिए, दिवाली पूजा आपको डे में पहनना है, अच्छे से आप जंग ज्वेलरी डाल लीजिए ना, लुक बहुत अच्छी आने वाली है, इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली है। एल साइज मैंने पिक किया, और इस तरह का ना जो ये वाला क्या बोलते हैं ब्लॉक प्रिंट होता है ना, काफी अच्छा लगता है, हमेशा ट्रेंडिंग रहता है, वी नेक क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे अंगरखा स्टाइल आपको मिलने वाला है इस तरीके से। मतलब इतने कम प्राइस में 571 में मुझे तो नहीं लग रहा था, पर बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली है। यहाँ पे प्रिटी से आपको टैसल भी लगे हुए मिले, पूरी स्टिच अनारकली आपको यहाँ पे मिली है, टू फैब्रिक यहाँ पे यूज किया गया, एक तो ये वाला जिसमें ब्लॉक प्रिंट हो रखा है, छोटे छोटे फ्लावर बने हुए, और एक इस तरह का जिसमें कि आपको लीफ प्रिंट मिली है, वी नेक से काफी अच्छी लग रही थी, अपर पार्ट अंगरखा स्टाइल को कवर कर रहा है, और यहाँ से पूरा आपको गैदर्स मिले इस तरीके से, 46 फ्रंट लेंथ के साथ मिली है, फैब्रिक सुपर सॉफ्ट रेयॉन का आपको मिला है, मतलब जो भी फैब्रिक होगा एग्जैक्ट मैं वो आपको बता रही हूँ, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई रिग्रेट नहीं होगा। स्लीव्स की बात की जाए 3-4 स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव्स में इस तरह का ब्लॉक प्रिंट आपको मिलने वाला है, अच्छा लग रहा था ये वाला प्रिंट, मुझे तो पसंद आया, बाकी आपको जैसा टेस्ट है आप बाय कर सकते हो, इस तरह की ओवरऑल लुक है इसके। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया टैसल है। बैक से बात की जाए तो पूरा यही रनिंग वाला आपको पूरा प्रिंटेड वाला फैब्रिक मिलेगा इस तरीके से, कहीं कोई कमी नहीं है फैब्रिक में कहीं, और आउटफिट भी काफी अच्छा लग रहा था, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इस तरह का आपको मिलने वाला है। तो ये तो हो गई इसकी फ्रंट लुक, अब मैं इसका बॉटम शो करती हूँ। बॉटम की बात की जाए, जैसे कि मैंने बोला दो फैब्रिक यूज किए गए थे, तो जो अंगरखा स्टाइल में यूज किया था ना वो आपको यहाँ पे बॉटम मिलेगा इस तरीके से, सुपर सॉफ्ट रेयॉन मिल रहा है, बोथ साइड इलास्टिकेटेड है, 8 लेंथ के साथ आपको मिलेगा, इस तरह का आपको पैंट स्टाइल मिलने वाला है। लुक एट द डिजाइन, आप देख सकते हो पूरा इस तरह का लीफ प्रिंट हो रखी है इसमें, फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी है, अगेन मैं बोलूंगी एक तो बिल्कुल सेम नहीं दिया है, ऊपर का मैचिंग आपको यहाँ पे बॉटम दिया, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिया गया, बेज कलर, ऐसे नहीं कि पूरा ही ब्लैक हो, तो थोड़ा डिफरेंट सा दिया गया, डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हो अगर आप ब्लैक लवर हो। दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टे की बात की जाए तो आपको सुपर सॉफ्ट कॉटन के मटेरियल में दुपट्टा मिलेगा, प्रिंटेड दुपट्टा आपको मिलने वाला है, विड्थ इतनी आपको मिली है, और यहाँ पे पूरा आपको 2.25 मीटर का दुपट्टा मिला है। लुक एट द फैब्रिक, फैब्रिक मतलब टच करके पता लग रहा है इतना अच्छा आपको फैब्रिक मिला है, और मुझे तो ये काफी पसंद आया वाला आउटफिट, डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो, इस तरह का अपर वाला पार्ट है और नीचे आपको इस तरह का डिजाइन वर्क मिला है, तो ये तो हो गया इसका प्रिटी सा दुपट्टा, बाकी आपको ट्राई ऑन मैच हो जाएगा, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, मीडियम से डबल एक्सएल तक साइज आपको मिलने वाले। मूव टू नेक्स्ट आउटफिट, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये भी बहुत ही प्रिटी कुर्ती है, इस तरीके से मस्टर्ड शेड में आपको मिलने वाली है, फ्रंट लुक देख लीजिए, एल साइज मैंने पिक किया, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, मतलब सॉफ्ट वाला आपको रेयॉन फैब्रिक मिल रहा है, फ्रंट में इस तरह के आपको टैसल लगे हुए मिल रहे हैं, और पूरी एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि व्हाइट सो रखा है, पूरा डिटेलिंग आपको मिलेगी यहाँ पे योग पार्ट में, इस तरह का आपको छोटा छोटा बंदी पैटर्न मिलेगा, कलर शेड भी काफी अच्छा है, हल्का सा मतलब मस्टर्ड टोन को थोड़ा आप डार्क कर दो ना उस तरीके का आपको यहाँ पे मिल रहा है, ब्राउनिश में जा रही थी लेकिन अच्छा लग रहा था डे में पहनने के लिए, आपको पूजा फंक्शन के लिए चाहिए इस तरीके से, और यहाँ पे प्रिटी से आपको यहाँ टैसल लटकन लगी हुई मिली है, तो ये तो हो गई इसकी फ्रंट लुक, इस तरीके से आपको कुर्ती मिलने वाली है, 45 फ्रंट लेंथ के साथ आपको मिलेगी,
सुपर सॉफ्ट मटेरियल आपको मिल रहा है, ऐसे नहीं कि ना कुछ खड़ा खड़ा सॉफ्ट वाला रेयॉन आपको मिल रहा है, हल्की सी शीन भी इसमें आ रही थी और छोटे छोटे जो बाटिक प्रिंट थे इससे काफी अच्छी लग रही थी जो ब्लॉक से बने हुए। स्लीव्स की बात की जाए 3-4 स्लीव्स आपको मिलेंगे और स्लीव्स में भी आपको इस तरह की डिजाइन वर्क मिलेगा, सीक्वेंस की डिटेलिंग प्लस एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रहा है। तो ये तो हो गई कुर्ती जो की आपको स्ट्रेट फिट मिलने वाली है। बैक से बात की जाए तो पूरी इस तरह का वर्क में मतलब प्रिंट में आपको कुर्ती मिलने वाली है। आई थिंक इसके प्राइस भी आपको 331 में कुर्ती मिलने वाली है। तो हाईली रिकमेंड करूंगी अगर ये प्रिटी सी कुर्ती आपको पसंद आ रही है इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आपको ट्राउन में शो जाएगा, इसको मैंने व्हाइट बॉटम के साथ कैरी किया। जिनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरीड कुर्तियां पिक कर सकते हो जो कि बेस्ट रहती है, फेस्टिवल में अच्छी सी लुक क्रिएट कर सकते हैं। और जिनको दुपट्टा डालना भी ज्यादा नहीं पसंद तो कुर्ती आप वेयर कर लीजिए, बॉटम डाल लीजिए, अच्छी सी ज्वेलरी पेयर अप कर लीजिए, गुड टू गो वाली कुर्ती है। तो इसको भी डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, अच्छा फैब्रिक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड यही था मेरा आज का हॉल वीडियो ब्रांड मीशो से। आई होप आपको ये 6-7 कुर्तियां अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी वीडियो चैनल में आने वाली है तो प्लीज चैनल में बने, डेफिनेटली इस हॉल से कुछ ना कुछ बाय करना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।